हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भूकंप का जन्म जिस स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अधिकेंद्र, बी ऑप्शन है भूकंप केंद्र, सी ऑप्शन है अनुकेंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप का जन्म जिस स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि हेच्योर विधि का प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन है लेमान, बी ऑप्शन है सीवी रमन, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है मेंडल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेच्योर विधि का प्रतिपादक कौन है? तो लेमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है गया, बी ऑप्शन है भागलपुर, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो पटना जिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है? ए ऑप्शन है बंगाल में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है? तो उत्तर प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए ऑप्शन है मेथेन का, बी ऑप्शन है कार्बन का, सी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था जिससे हजारों लोग मारे गए थे। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे बस आपको SMS कर देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है गुजरात। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो गुजरात में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि वर्षा ऋतु की फसलों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है रबी फसल, बी ऑप्शन है खरीफ फसल,
सी ऑप्शन है अगहनी फसल, डी ऑप्शन है जायद फसल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा ऋतु की फसलों को क्या कहा जाता है, यानी वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे खरीफ फसल कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो धान है ये खरीफ फसल का उदाहरण है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि रेशम कीड़ा का पालन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है सेरीकल्चर, बी ऑप्शन है रेशम कल्चर, सी ऑप्शन है पीसी कल्चर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम कीड़ा का पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है। ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है गन्ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है, तो गेहूं है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दस नंबर प्रश्न है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। ए ऑप्शन है गंगा नदी का, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी का, सी ऑप्शन है सतलज नदी का, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है, तो सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, ग्यारह नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सुधार भारत में कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1991 में, सी ऑप्शन है 1992 में, डी ऑप्शन है 1993 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक सुधार भारत में कब शुरू हुआ, तो 1991 में शुरू हुआ। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, बारह नंबर प्रश्न है कि विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है लाभ कमाना, बी ऑप्शन है हानि, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है, तो विदेशी निवेश का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तेरह नंबर प्रश्न है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। ए ऑप्शन है धातु मुद्रा, बी ऑप्शन है पत्र मुद्रा, सी ऑप्शन है वस्तु मुद्रा, डी ऑप्शन है सिक्के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो वस्तु मुद्रा है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली था, अगर आपको एक वस्तु को खरीदना है तो उसके बदले में आपको दूसरा वस्तु देना पड़ेगा, फिर वो वस्तु आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो वस्तु मुद्रा है। तो इसे साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चौदह नंबर प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है नेपाल का, बी ऑप्शन है श्रीलंका का, सी ऑप्शन है बांग्लादेश का, डी ऑप्शन है म्यांमार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो बांग्लादेश का अधिक है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पंद्रह नंबर प्रश्न है कि नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली। ए ऑप्शन है 240 वर्षों तक, बी ऑप्शन है 242 वर्षों तक, सी ऑप्शन है 245 वर्षों तक, डी ऑप्शन है 248 वर्षों तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली, तो 240 वर्षों तक चली। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नेपाल में अब लोकतंत्र है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सोलह नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन
आंदोलन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि महेंद्र सिंह टिकैत का संबंध किस संगठन से था? ए ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी से, बी ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी से, सी ऑप्शन है भारतीय किसान यूनियन से, डी ऑप्शन है जनता पार्टी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महेंद्र सिंह टिकैत का संबंध किस संगठन से था, तो भारतीय किसान यूनियन से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए ऑप्शन है 4 वर्षों का, बी ऑप्शन है 5 वर्षों का, सी ऑप्शन है 6 वर्षों का, डी ऑप्शन है 7 वर्षों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 13। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो 12 है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ए ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है पटना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? ए ऑप्शन है जाति, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है मानवता, डी ऑप्शन है धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो जो मानवता है ये सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मास्को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है न्यूटन की, डी ऑप्शन है एंजल्स की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी? ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरियों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी, तो ये किसकी संस्था थी, तो ये व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है ब्रिटेन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है पीने का बर्तन, बी ऑप्शन है रूस का सामंत, सी ऑप्शन है रूस का राजा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का राजा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। ए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, बी ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र से, सी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र से, डी ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1914 में, बी ऑप्शन है 1916 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। ए ऑप्शन है गीता का, बी ऑप्शन है कुरान का, सी ऑप्शन है बाइबिल का, डी ऑप्शन है हदीस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 30 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और उसको आपको टाइम टू टाइम रिविजन करना है, ताकि जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो रिवीजन करने से आपको क्या होगा कि वो प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न आपको याद नहीं रहे तो सबसे पहले आप उसे नोटबुक पे लिखिए और उसे याद कीजिए, और हफ्ता में एक बार आपको क्या करना है उसका रिवीजन करना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है चीन में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।